हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारी अकाउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन है और यहाँ पर करंट रेशियो हमें निकालनी है। क्वेश्चन हमने लिया हुआ है डीके गोयल की बुक से। ये आइए, तो क्वेश्चन हमें कहता है करंट रेशियो निकालो, वर्किंग कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है और टोटल डेट गिवन है। अगर मैं आपको बात करूं तो लॉन्ग टर्म डेट को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इसे आप दे सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म डेट का। और हमारे पास टोटल डेट तो है ही, जो कि बनता है लॉन्ग टर्म, अगर टोटल डेट की बात करूं तो ये बनता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इन दोनों को जोड़ दो, आपके पास टोटल डेट आ जाएगा। आइए जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें आप लोगों के साथ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, हमें करंट रेशियो निकालनी है। आइए, तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब ये दोनों चीजें तो गिवन नहीं है। आइए जी, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। सबसे पहले ये टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट को यूज करें। देखो आपका जो टोटल डेट है, टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज लिखता हूं जो इसमें गिवन है, इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। हमने उधार ले रखा है, सिंपल सी बात है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। अगर लॉन्ग टर्म का देखें दूसरा नाम और शॉर्ट टर्म के दूसरे नाम की बात करें, तो लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम क्या है, करंट लायबिलिटीज। चलो जी, करंट लायबिलिटीज आ गया। अब देखो हमें लॉन्ग टर्म डेट भी गिवन है और टोटल डेट भी गिवन है। कितना है ये दोनों, ये है 2 लाख इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट है यानी नॉन करंट लायबिलिटी है 80,000 प्लस करंट लायबिलिटी। ये इक्वेशन आ गई हमारी, करंट लायबिलिटीज आ गए, हमने पुट कर दिया गिवन इंफॉर्मेशन को। तो इससे आप कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 80,000, यानी कि आ गया रुपीज 1,20,000। तो आपने एक चीज तो निकाल ली, वो क्या निकाली, आपने करंट लायबिलिटीज निकाल ली। अब दूसरी चीज पर आइए, दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दूसरी चीज उन्होंने हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे निकलती है, वर्किंग कैपिटल निकलती है जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और ये गिवन है वर्किंग कैपिटल। आप लोगों को देखो वर्किंग कैपिटल 1,92,000 गिवन है। तो अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल यानी कि 1,92,000 इक्वल्स टू करंट एसेट, मुझे नहीं पता, हाँ पर करंट लायबिलिटी मैं अभी निकाल कर आया हूं ऊपर, जो मैंने वन लिखा 1,20,000, मैं इसे लिख देता हूं यहां पर माइनस 1,20,000। चलो जी इक्वेशन बनाओ, करंट एसेट्स इक्वल्स टू, करंट एसेट इधर है ये 1,92,000 प्लस 1,20,000। चलिए जी इन दोनों को ऐड करो, जरा बताओ मुझे कितना आ जाएगा, 192 प्लस 120, मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से बताइए, फिर आगे चलेंगे। करंट एसेट्स निकाल लो, कितना आता है, 3,12,000। ठीक है, 3,12,000 हमारे पास क्या आ गया, करंट एसेट्स आ गया, ये नंबर 2 आ गया। दो ही चीजें तो चाहिए थी, एक तो करंट लायबिलिटी चाहिए थी, दूसरा करंट एसेट चाहिए थी, 3/12/120। आइए इसे इक्वेशन में पुट कर दें, 3,12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 1,20,000। चलिए जी आइए मुझे बताइए, इसे सॉल्व करो जरा, 3,12,000 को 1,20,000 से डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी, कितना कह रहे हैं, 2.6:1, 2.6:1 आ गया
यानी आप कह सकते हैं 2.6:1 आपकी क्या आ गई, रेशियो आ गई, और यही तो मांगा है क्वेश्चन ने हमसे। तो आप क्या करेंगे, आप जो चीजें गिवन है उन्हें लिख दीजिए, आपको क्या चाहिए उसे लिख लीजिए, फिर देखिए किन किन चीजों से क्या क्या निकल सकता है। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए किस चीज को क्या समझा जाता है, कहां पर वो आती है काम, तो थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, जहां मैं दोबारा भी दिखा दूं सॉल्यूशन का पार्ट आपको। यहां पहले तो हमने निकाला टोटल डेट से, हमने करंट लायबिलिटी निकाल लिए टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट से, और दूसरा हमने वर्किंग कैपिटल से क्या निकाल लिया, करंट एसेट्स को निकाला, इक्वेशन में डाला, और हमारे पास इस फॉर्मूले में करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटी डालकर करंट रेशियो आ गई 2.6:1। तो आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है।